भोपाल के आरके रिजेंसी होटल में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रजत मुराद एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने भोपाल आए, जिसमें उन्होंने वहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना को लेकर बताया कि हमेशा सरकार पर इल्जाम नहीं लगा सकते, पहले देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सरकार घर घर जाकर आपको सैनिटाइजर नहीं दे सकती, सैनिटाइज नहीं कर सकती, मास्क नहीं दे सकती, आपको अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। वहीं उन्होंने बताया कि हमको अपनी हिफाजत खुद करनी है, बार बार हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करना है, हमें मास्क लगाना है। मैं यही कहूंगा कि और शहरों के मुकाबले भोपाल में COVID-19 का असर कम है। संवाददाता साउथ सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, ये सब हमारे बच्चे हैं, जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैंने हमेशा उन लोगों का साथ दिया है, उनको प्रोत्साहित किया है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। इसकी शुरुआत लखनऊ से हुई और फिर आज यहाँ फंक्शन हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमा रहे हैं, किसी को आप धोखा नहीं दे रहे हैं, आप देश का कानून नहीं तोड़ रहे हैं, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो काम करना चाहिए। तो क्योंकि ये सारे बच्चे हैं, ये भी आपको बताना चाहूंगा कि इस काम के लिए मैंने एक रुपया नहीं लिया है। मैं यहाँ पे एक कमर्शियल एक्टर के तौर पर नहीं आया, मैं यहाँ सिर्फ आया हूँ, ये सब नौजवान हैं, इनका हौसला बढ़ाने के लिए, और मेरी जात से जो भी मैं इनके लिए कर सकता हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैंने इनसे एक रुपया भी नहीं लिया, वरना एक्टर आते हैं खूब पैसा बटोरते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं यही कहूंगा कि एक काम उन्होंने लिया है अपने हाथ में और मैं चाहता हूं कि वो काम आगे बढ़े। देखिए, हमेशा सरकार पे इल्जाम लगाने से बेहतर ये है कि आप क्या कर रहे हैं, सरकार घर घर जाकर जबरदस्ती आपको सैनिटाइजर नहीं दे सकती है या मास्क नहीं दे सकती है, ये आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, आपको मास्क पहनना है, आपको बार बार हाथ धोने हैं। तो ये हमेशा क्या होता है कि अपनी कमजोरियों को आप सरकार पे डाल देते हैं, सरकार पे उसका ठीकरा फोड़ते हैं, वो बात गलत है। आपको खुद अपनी हिफाजत करनी है, सरकार जितना कर सकती है सरकार भी करती है, सरकार भी कर रही है। और मैं यही कहूंगा कि दूसरे शहरों के मुकाबले में भोपाल में कम है, लेकिन मुझे काफ़ी ताज्जुब होता है और दुख भी होता है कि जब मैं बाजारों में जाता हूं तो मैं नहीं देखता कि लोग मास्क लगाए हुए हैं और डिस्टेंस बना के बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे बहुत कम लगा है यहाँ। तो ये हमारा अपना नुकसान है, हमारे परिवार का नुकसान है। एक इंसान को अगर COVID-19 की शिकायत होती है तो वो बहुत ही खतरनाक होती है, एक से लेकर दस, दस से सौ, सौ से हजार, ये तो आगे बढ़ता ही जाता है। तो हमें खुद भी बचना है और अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को हमें इससे बचाना है। तो जितना सरकार कर सकती है सरकार करती है, लेकिन बाकी आपको खुद अपनी हिफाजत करनी है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी, इससे तंबाकू का कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे शराब है, गुटखा है या तंबाकू है, सरकार इनके एड्स बैन करती है, इन्हें नहीं दिखाने की इजाजत है एड्स। ये नुकसानदेह नहीं है, इसलिए हम इसकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, इसका प्रोग्राम भी कर रहे हैं। और यकीनन तंबाकू या अल्कोहल जो है वो, या गुटखा जो होता है जिसमें तंबाकू होता है, वो बहुत नुकसानदेह होता है। लेकिन ये जो है, ये मैं इसे कहूँगा कि एक माउथ फ्रेशनर है, इसके आगे कुछ नहीं।